A very good morning everyone, though it's 1 o'clock in the afternoon और मैं अभी उठाऊँ क्योंकि मेरे पास कुछ आया है। ये है मेरे नए शूज जो मैंने अभी ऑनलाइन बुलवाए थे और अभी आए। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तब तक लिए बाय। और आज धूप आ चुकी है, क्या बात है। तो धूप आने की खुशी में I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. Oh yeah, bring you up, yeah come on. 태그랬던 나를 와박이게 한 건 너, 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 पर मैंने चाय कॉफी पी ली है। अब फ्रेश है अपन एंड कैसे लगे जूते मुझको कमेंट सेक्शन में बताना। और अब हम चलते हैं राजवीर के यहाँ क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है एंड बहुत सारे कुछ काम है। तो चलते हैं। और ये जो जूते उनकी मैं बात कर रहा था, ये जो शूज है मेरे पास अभी, इनको मैं थोड़ी देर बाद शाम को कुछ इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि अभी करूंगा तो टाइम हो जाएगा और फिर ब्लॉग नहीं शूट हो पाएगा। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं राजवीर की शॉप पर क्योंकि वहां पर वीडियो अपलोड करनी है। मालूम है वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बट चलता है थोड़ा बहुत लेट। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब राजवीर की शॉप पर। बारिश में यही आदत खराब लगती है कि हर जगह पानी हो जाता है। तो मैं अभी राजवीर की शॉप पर आ गया हूँ और ये थोड़ी साफ सफाई कर रहा है। तो भाई तू कब तक साफ सफाई करने लग गया? मैं अब आज आया हूँ 3 दिन बाद। अच्छा, तो ये बेसिकली सीसीटीवी का कर रहा है अपना कुछ बिल्डअप। तो क्या है, ये सिस्टम चालू करेगा कि नहीं? तो कर यार वीडियो अपलोड करने की। और ये बच्चे यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। तो मैं जब तक वीडियो अपलोड करता हूँ जब तक आप टाइम लैप्स देखिए। और मैंने जो टाइम लैप्स लिए थी वो लेने के करीबन 10 मिनट बाद ही बारिश आना शुरू हो गई थी। तो अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया और ऐसे फंसे हैं। तो होपफुली जल्दी बंद हो जाए तो मैं घर जा पाऊँगा। और ये बारिश की आवाज़ आई और बैकग्राउंड नॉइज़ दिक्कत आ सकती थोड़ी। तो मैं मिलता हूँ आपसे घर पर क्योंकि बारिश कम कब कम होगी, कब कम ज़्यादा होगी। तो तो अभी मैं राजवीर के यहाँ पे हूँ और बारिश बंद हो चुकी है फिलहाल। तो और देखते हैं अब बारिश कब आएगी। बट अभी तो हमने कुछ बातें करी और वो भी बोल रहा है ये गाय। तो हमने बात करी कि ये क्या करना है। तो फाइनली राजवीर अब वीडियो बनाए राजवीर अब वीडियो बनाएगा और अब यूट्यूब पे आएगा। और अभी के बज रहे हैं 11 रात के। तो मैं अब घर जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं घर पर आ गया हूँ और 11:30 बजे करीब मैं आ गया था और खाना खाया मैंने। फिर देन उसके बाद मैं बैठा थोड़ी देर वीडियो देखी और बस। तो अभी जैसे ही मैं घर पर आया तो बारिश अचानक से बहुत तेज आने लग गई और अच्छा रिया बच गया मैं।
डांट खाने से, और वैसे भी कपड़े अभी रात में सूखते नहीं तो फिर सुबह दिक्कत आती जाने में कहीं। तो आज का दिन कुछ ऐसा था कि पूरा टाइम, सारा टाइम, जितना भी टाइम मिला सब बारिश ही आई, और इतनी बारिश आ रही है कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भगवान तो ब्लॉग बनाना है, जाना भी है, डेस्टिनेशन बहुत दूर है, और तो सबसे बड़ी हिंट ट्रेन का सफर है। तो आपने हिंट से पता कर दिया होगा कि ट्रेन से करीबन 30 hours ट्रेन, ये रहेगा उस वीडियो का टाइटल। सो कीप वॉचिंग द गिफ्ट से तुषार। और एक बात तो मैं बताना भूल गया कि जो जूते आए थे मेरे पास, मैं लाता हूँ रुकिए। तो ऐसा कुछ आया था और बॉक्स जो मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया है, और मैं बस दिखा देता हूँ आपको। और ये रहा वो बॉक्स, यहाँ ये रहे वो शूज जिनकी मैं बात कर रहा था। अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी इनकी, और मैं अनबॉक्स ही कर रहा हूँ काफ़ी बार शूज की, तो अब क्या कर सकते हैं क्योंकि साइज नहीं मैच कर रहा था। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये प्लास्टिक का सोल है यहाँ पर, और सबसे मेन बड़ी बात दिक्कत ये है कि आप बारिश में इसको पहन के बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं जहाँ पर जाऊँगा वहाँ बारिश नहीं है तो इसका यूज कर सकते हैं, और दिखने में काफी कूल लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एयर का सिंबल से अंदर कंपनी का ब्रांडिंग है, वाटरमार्क है, एंड ये जो व्हाइट स्ट्रीप है ना इस पे ग्रे पे वो कमाल की दिख रही है, और व्हाइट और ग्रे का मैचिंग और ऑरेंज इनका कलर करेक्शन बहुत ही सिंपल और अच्छा है क्योंकि, और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, और ये कपड़े का रेजिन जो यूज होता है फ्लेक्सिबल भी काफ़ी है क्योंकि, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी लाइट वेट है जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि आप हैवी शूज़ पहन रहे हो या फिर आपके पाँव जो शूज़ पहनोगे जब आप, तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत हैवी शूज़ है। यही था इन शूज़ के बारे में, और आपको मेरी आने वाली वीडियोस इन्हीं शूज़ में दिखने वाली है। तो देखते हैं इनको यूज़ करते हैं और पता करते हैं कि ये ज़्यादा टाइम टिक पाएंगे कि नहीं, और अगर नहीं टिक पाते हैं तो कुछ और नया ब्रांड ट्राई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे कल, क्योंकि होपफुली फिंगर क्रॉस बारिश नहीं आनी चाहिए क्योंकि बारिश आती है तो कहीं बाहर जाना हो नहीं पाता और फिर घर में वीडियो के लिए ढूंढते रहो क्या बनाना क्या बनाना, और फिर छोटा वीडियो बनता है, अच्छा मजा नहीं आता उस वीडियो में। तो ट्राई करते हैं अगर बारिश नहीं आती है तो कुछ बाहर का व्लॉग बनाएंगे जो बचा कुचा है, और देखते हैं होपफुली अच्छा हो। मैं मिलता हूँ आपसे कल पक्का, और गो फॉरवर्ड फॉरएवर लाइफ टाइम, बाय बाय, शब्बा खैर। और गाइस सबसे मेन बड़ी बात तो मैं बोलना ही भूल गया बाय चांस, क्योंकि आप सभी ये न्यूज़ देखते होंगे और आपको भी पता चल रहा होगा कि कोल्हापुर और इधर साइड बहुत पानी हो चुका है, और मुंबई में खासकर कि जो कचरा रहता है जो हम फेंक देते हैं, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि हमको नहीं फेंकना चाहिए समुद्र में, और वो जो कचरा जो हमने फेंका है वो वापस रिटर्न दे दिया है उसने हमको। सो गाइस कचरा फेंकना बंद करो, और मैं ये जो अनबॉक्स करा ये पॉलीथीन तो मैं अभी डस्टबिन में डालूंगा, और इकट्ठा होके सुबह गाड़ी आती है, गवर्नमेंट गाड़ी आती है उसमें डाल दो और वो रिसाइकल के लिए कर देते हैं फिर। तो गाइस कचरा ना फैलाएं, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखें।